आईपीएल 2022 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन ऐसे में लीग की डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लग चुके हैं, जिसके बाद धोनी की टीम से दो स्टार खिलाड़ियों का खेलना मुश्किल हो चुका है और ये चेन्नई के फैंस के लिए काफी बुरी खबर होने वाली है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत से पहले डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से एक बार फिर से मुश्किल में घिर चुकी है। दरअसल सीएसके के दो स्टार युवा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक चहर टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही चोटिल हो गए हैं, जहां ऋतुराज के हाथ में चोट लगी है जबकि चाहर की पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आया था। लेकिन मैनेजमेंट के लिए उनकी चोट से ज्यादा बड़ी टेंशन फिलहाल इस बात की है कि दोनों की फिटनेस पर क्या स्थिति है, इसे लेकर सीएसके को कोई भी जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें, इन दोनों खिलाड़ियों को पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान चोट लगी थी। ऋतुराज के हाथ में चोट लगी है जबकि चाहर की पैर की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसके कारण उन्हें कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक बाहर रहना होगा। ऐसे में संभावना है कि दीपक चहर 100% आईपीएल के शुरुआती चरण में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन दूसरे खिलाड़ी गायकवाड़ को लेकर अभी भी किसी तरह की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने ऋतुराज और चाहर की उपलब्धता पर कहा है कि हमें उनकी मौजूदा फिटनेस स्थिति की जानकारी नहीं है और आपको नहीं बता पाऊंगा कि वे कब टीम से जुड़ेंगे। दोनों खिलाड़ी फिलहाल एनसीए में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया में हैं। दोनों खिलाड़ियों के आईपीएल में शामिल होने से पहले एनसीए फिट घोषित करेगा, इसके बाद ही वे आईपीएल में हिस्सा ले पाएंगे। आपको बता दें, फिलहाल सीएसके के उपलब्ध खिलाड़ी सूरत में ट्रेनिंग कैंप में जमकर पसीना बहा रहे हैं। सूरत के लाला भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में सीएसके ने अपना कैंप सेट किया हुआ है, जहां कप्तान धोनी से लेकर रॉबिन उथप्पा और अंबादी रायडू जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस ट्रेनिंग कैंप में कड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो भी बहुत जल्द सीएसके के खेमे से जुड़ जाएंगे। वहीं सर जडेजा भी कुछ दिनों के आराम के बाद सीएसके की प्रैक्टिस कैंप का हिस्सा बन जाएंगे। 26 मार्च को आईपीएल के पहले मुकाबले में ही सीएसके को केकेआर जैसी मजबूत टीम का सामना करना है। अब ऐसे में एक साथ दो बड़े खिलाड़ियों के ना होने से चेन्नई की टीम पेपर पर भी थोड़ी कमजोर नजर आने लगी है। ऐसे में दोस्तों, दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ का बाहर होना सीएसके के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।